तो ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय, आई एम एसपी सिंह। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक ये है वैदिक गणित का कमाल। आप चाहे सिक्स क्लास में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो गुणा करनी सभी को आनी चाहिए, और वो भी अगर शॉर्ट तरीके में करने आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप अभी से प्रैक्टिस में ले आएंगे गुणा की, तो आगे जाके आपको कंपटीशन निकालने में आसानी होगी। तो आपको बोर्ड पर कुछ संख्याएं दिख रही होंगी, मैं इनकी आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ। आप 2 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या है, 4 संख्या यहाँ पर देख रही है, मैं इनकी गुणा करने जा रहा हूँ। अब आप वो अभी मैं रूल नहीं बता रहा हूं, इसके बाद आपको रूल बताऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। लीजिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जो 100 के आसपास वाली संख्या है उनकी मल्टीप्लाई। तो जो 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप केवल 2 से 5 सेकंड के बीच में उन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रूल सिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे ही आप सीख जाएंगे रूल को तो प्रैक्टिस में लाएंगे तो केवल 2 से 5 सेकंड के बीच में कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं। सबसे पहले 100 के आसपास वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई मैंने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। देखिए जरा, सबसे पहली कैटेगरी ये है जो 100 से कम है, दूसरी कैटेगरी ये है जो 100 से ज़्यादा है, और तीसरी कैटेगरी ये है जो जिसमें एक 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है। तो इन संख्याओं की, इस तरह की संख्याओं की मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होती है। तो चलिए अब इसको सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो रूल को समझिए ज़रा, बहुत आसान है। देखिए ये, देखिए 100 से कितना कम है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, कम के लिए हमेशा माइनस। ये 100 से कितना कम है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, कम के लिए माइनस लगाएंगे, ज्यादा के लिए प्लस लगाएंगे, जैसा हम सीखते हुए आए बचपन से। अब करना क्या, जरा समझिए, ये कितना है, 9 है माइनस का, तो 97 में से 9 माइनस कर देंगे, देखिए 17 में से 9 गए तो बचेंगे 8, और ये बचा यहां पे 8। ठीक, अब ये करना है इनकी आपस में गुणा करनी है, 9 * 27 इसको यहां पर लिख देना। लीजिए ये हो गई मल्टीप्लाई। अब इसी को आपको शॉर्ट में करना, तो देखो कैसे करेंगे, हमें ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि ये कितना कम है, 2 कम है, तो इसको आप 2 कम करके लिख दीजिए यहाँ पे 83। अब क्या, ये कितना कम है, 15, और ये 2 15 * 30 यहाँ पर लिख दीजिए। 100 में से कितना कम है, 15, ये 100 में से कितना कम है, 2, तो 15 * 30, और 30 को यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए एक ही लाइन में मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो अगर 100 से ज्यादा है तो उनकी कैसे करनी है, अब ये समझेंगे जरा। ये कितनी ज्यादा है 100 से, 7, तो इसको यहाँ पर लिखना, ज्यादा के लिए प्लस का चिन्ह। ये कितनी ज्यादा है 100 से, 2, तो इसमें ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह। रूल्स वही है जो वहां पे बताया। अब चूंकि प्लस है तो ये प्लस करना, 102 और 7 कितना होगा, 109, आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 * 2 = 14 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए ये आ गया आंसर। अब यही समझिए, अब देखो ये कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ डायरेक्ट करूंगा, कैसे, रूल वही है। ये कितनी ज्यादा है, 5, तो 112 में 5 जोड़ दीजिए पहले, 117। ये कितना ज्यादा, 12, ये कितना ज्यादा है, 5, तो 12 * 5 = 60 इसको यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए ये हो गई मल्टीप्लाई। अब देखिए तीसरी टाइप की मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरी टाइप में क्या, 100 से ज्यादा है और 100 से कम है, तो ये वाली 100 से कितनी कम है, कम के लिए माइनस, ये 100 से कितनी ज्यादा है, 3, ज्यादा के लिए प्लस। अब करना क्या था समझिए, क्योंकि माइनस है तो 103 में से 5 माइनस कर देंगे, ये हो गया 98। विपरीत वाली संख्या में चूंकि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अपोजिट चेन है, और अपोजिट चेन की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, 5 * 3 = 15 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गए बचे 5, 9 में से 1 गए बचे 8, यहाँ बचा 7, ये आ गई मल्टीप्लाई। बिल्कुल ऐसी यहाँ इसे करेंगे, जरा समझेंगे। देखिए ये कितना कम है, 100 में से 2, कम के लिए माइनस चिन्ह लगाया, ये कितना ज़्यादा है, 7, तो ज्यादा के लिए प्लस का लगा दिया। अब करना क्या, वही रूल, माइनस का तो 107 में से माइनस 2 कम कर दीजिए, कितना बचा, 105, अब यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। अब चूंकि ये माइनस है प्लस है इसलिए कम हो रहा है यहाँ पर, तो 2 * 7 = 14, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8, ये बचा 4,
0 1, लीजिए ये हो गई मल्टीप्लाई। मैं समझता हूँ आपको दो अंक वाली जो 100 के आसपास वाली संख्या मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। अब मैं उन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 100 से बहुत दूर है लेकिन दो अंकों वाली है, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं, इसमें मजा आएगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो आपके परिचित हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो उन तक भी उनको शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। चलिए अब हम सीखते हैं जो 100 से दूर यानी 100 के आसपास संख्या नहीं है लेकिन 2 डिजिट की, तो उनकी मल्टीप्लाई हमें एक लाइन में कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है और जो मल्टीप्लाई करनी है वो केवल एक लाइन में करनी है। तो क्या तरीका है ऐसा करने का, आप मेथड को समझिएगा, जब आपको मेथड आ जाए तो प्रैक्टिस में लाइए, आप बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 2 5 10, और जो कैरी है 10 का लगाना 0, कैरी को लिख लिया हमने यहाँ पर अलग, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इनकी ऐसे तिरछी गुणा करनी है, यानी 2 3 5 15 और 2 15 हो गए 17, एक कैरी ये हो गया 18, 18 का एक कैरी यहाँ बच गया, फिर उसके बाद लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 3 और एक कैरी का हो गया 4, ये लीजिए ये हो गई मल्टीप्लाई एक ही लाइन में। अब यहाँ समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2 डिजिट वाली ये ऑलराउंडर है, कोई सी भी 2 डिजिट हो, 100 के आसपास वाली भी हो तब भी हम इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 3 21 का एक कैरी 2, अब यहाँ पे क्या करना, कैची गुणा करनी है सर के, 5 7 35 2 3 6 35 और 6 41 41 2 43 का 3 हासिल लगे 4, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे करेंगे 5 2 10 4 14, लीजिए ये हो गई मल्टीप्लाई। तो मैं समझता हूँ ये भी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सिखाते हैं 3 डिजिट वाली संख्या की मल्टी, यस अब मैं हाजिर हूँ आपके लिए 3 डिजिट वाली संख्या को सिखाने के लिए। चलिए अब सीखते हैं 3 डिजिट वाली यानी 3 संख्याओं वाली संख्या की हम गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, तो यहाँ पे कुछ हमें करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर 3 और नीचे संख्याएँ कम हो, तो जहाँ कम है वहाँ पर हम सबसे पहले अपनी तरफ से यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए करने का क्या रूल्स वही है जो मैंने पहले वाला बताया, तो उसको जरा समझते जाना। तो सबसे पहले हमें करना क्या, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो 2 5 10 का 0 और हासिल को इधर लिखते जाइए, उसके बाद कैची गुणा करनी है, 2 3 6 5 4 20 26 और 1 27 का 7 हासिल लगे 2, कार्य को वहां लिखते जाइए। अब उसके बाद क्या करना हमें, देखिए ये करना तीसरे स्टेप में ऐसे ऐसे और जो बीच वालों की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, समझ आई, फर्स्ट की इससे करनी है, इसकी इससे करनी है और इन दोनों की आपस में करनी है, और बाद में आपस में जोड़ देना, जरा ध्यान से समझना। देखिए एरो के हिसाब से पहले इससे करेंगे, 2 2 4 फिर इसकी इससे, 5 5 25 4 29 और 3 4 12, 29 और 12 हुए 41, 41 2 43 का 3 हासिल लगे 4, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, इस वाले की करनी है ऐसे, तो 4 2 8 5 3 15 और 15 और 8 हो गए, 4 2 8 5 3 15 15 और 8 हो गए 23, 23 और 4 हो गए 27 का 7 हासिल लगे 2, अब यहां लास्ट में ये वाली करनी है, तो यहां पे करेंगे 2 5 10 10 2 12, ये हो गई इस तरह से मल्टीप्लाई एक ही लाइन में। तो मैं समझता हूँ आपको मल्टीप्लाई समझ में आ रही होगी, नहीं आई तो एक बार इसे समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, 2 से 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो करने कैसे जरा समझेंगे, रूल्स वही है, क्या करना सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 6 कैरी कुछ नहीं है, अब क्या करना ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 5 15 2 4 8 8 और 15 हुए 23 का 3 हासिल लगे 2, बस समझ मारे। अब यहां पे देखिए, अब इसके बाद यहां पे तीसरे नंबर पे करनी है सर, बीच वालों की ऐसे करनी है, तो क्या करना 3 7 21 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 7 21 और 5 4 20 21, 3 7 21 और 5 4 20, 20 41 41 2 हो गए 43, 43 का
5 से लगे 4, 43 का लिख देंगे 3। अब उसके बाद ऐसे करनी है, ठीक है। तो देखिए 728 ये 0 हो जाएगा, 28 अचार 32 का 2, वहाँ से लगे 3। अब लास्ट में ये वाली मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 0 से करेंगे 0 और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 डिजिट वाली संख्या की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं 4 डिजिट वाली संख्या की। अब आप 4 अंकों की गुणा भी केवल एक ही लाइन में करेंगे, वो भी 2 से 5 सेकेंड के बीच में। तो इसका रूल्स क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसका भी रूल वही है जो मैंने पहले वाले स्टेप में बताया था, बस कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहला स्टेप तो एक ही एक से करेंगे, हमें 2 जरूर उसको समझिएगा, कैरी कुछ है नहीं इसने छोड़ दिया। दूसरा स्टेप ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 2 14 और 3 हो गए 17 का 7 और कैरी हो गया 1। अब उसके बाद 3 नंबर शामिल करने हैं, तो 3 नंबर के लिए ये देखिए ऐसा करना, रूल्स को समझेंगे। 3 नंबर के लिए ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 3 नंबर लेने, तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 और 2 की इससे करनी है, तो 4 4 हो गया 8 और 7 21 8 होगा 29 और 1 ये हो गया कैरी, ये हो गया 30 का 0, हाँ से लगे 3। अब उसके बाद अगले स्टेप में जो है आपको थोड़े स्टेप बढ़ा देने, यानी आपके जो चारों नंबर शामिल करने हैं तो उनको ऐसे करेंगे। देखिए जरा समझेंगे इसको, तो करना क्या, पहले फर्स्ट और लास्ट और फिर ऐसे करके, समझ आ रही बात, फर्स्ट और लास्ट और फिर इनको ऐसे। तो कैसे करना जरा इसको समझेंगे। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 की 2 से करेंगे 6, तो 5 6 हो गए 11, 11 7 4 28 और 11 हो गए 28 और 11 हो गए तुम्हारे 39, 2 3 6 6 और 29 45 और 3 48 का 8, हाँ से लगे 4। अब आते हैं इसमें, अब देखिए उसके बाद कितने हो गए, ये हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सेकेंड, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप में, तो फिफ्थ स्टेप में अब वहीं पे कम होते चले जाएंगे, अब इन 3 का लेंगे। तो इसमें देखिए 7 5 35, अब फिर वही करना है, रिपीट हो जाएगा यही वाला रूल देखिए यहाँ से, ठीक है। तो 7 5 35, 3 3 9, 35 9 होगा 44, 4 2 8, 8 5 52, 52 4 होगा 56, 56 का हो गया 6, यहाँ से लगे 5। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये वाला, यानी कि यहाँ पे आप करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका छठा स्टेप। तो छठा स्टेप में क्या, 5 2 10 और 3 4 12, 10 और 12 22, 22 5 हो गए 27 का, 27 का 7, हाँ से लगे 2। अब देखिए लास्ट वाला स्टेप, ये लास्ट वाला स्टेप सेवेंथ स्टेप, तो होंगे 3 5 15, 15 और 2 हो गए 17, लीजिए ये हो गई मल्टीप्लाई। दोबारा फिर समझिए, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इसको अच्छे समझ लीजिए। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको 4 अंकों तक की मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मज़ा आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में अपने जो फ्रेंड है उनको शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।